सीतापुर गांव में करण अपनी माँ राखी के साथ रहता था। तब करण पढ़ने और लिखने में काफी ज्यादा होशियार होता है, जिसे देखकर उसकी माँ राखी उसे कहती है, बेटा मुझे पता है तुम पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज हो और तुम इससे आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हो, इसीलिए तो मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। एक काम करो, तुम इस पैसे को लेकर विदेश चले जाओ और वहां से पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़े आदमी बनकर आना। जिसे सुनकर करण बहुत ही खुश होता है और अगले दिन विदेश चला जाता है, जहां वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तभी एक दिन अचानक करण की मुलाकात प्रीता नाम की एक लड़की से होती है, जो हमेशा से विदेश में ही पली बड़ी होती है। जिसे देखकर करण पहले ही नजर में उसे पसंद कर लेता है, जिसके बाद प्रीता और करण दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक दिन करण प्रीता से कहता है, प्रीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिसे सुनकर प्रीता बहुत खुश होती है। तब दोनों शादी करके इंडिया वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर राखी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन प्रीता को इंडिया आने के बाद हमेशा घूंघट में ही रहना पड़ता था, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती थी। तभी एक दिन राखी की सहेलियां माहिरा, सरला और सृष्टि उससे मिलने के लिए उसके घर आती हैं और राखी से कहती है, अरे राखी सुना है तेरी बहू विदेश से आई है, तो तू क्या हमें उससे नहीं मिलवाएगी? जिसे सुनकर राखी कहती है, नहीं नहीं मैं अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ। तभी वो अपनी बहू प्रीता को आवाज लगाकर कहती है, बहू जरा जल्दी से नीचे आना। जिसे सुनकर प्रीता जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आने लगती, तभी अचानक उसकी साड़ी पैर में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जिसे देखकर राखी की सभी सहेलियां बहुत ही तेज हंसने लगती हैं और राखी से कहती हैं, अरे राखी लगता है तेरी बहू को साड़ी पहनने नहीं आती, इसीलिए तो वो साड़ी भी नहीं संभाल पा रही है। तब राखी कहती है, नहीं लगता है इसका पैर फिसल गया होगा। जिसे सुनकर प्रीता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद अगले ही दिन प्रीता मार्केट जाकर वहां से अपने लिए कुछ वेस्टर्न ड्रेस खरीद कर ले आती है और उसे पहन लेती है। तब राखी प्रीता से कहती है, बहू ये तुमने क्या पहन लिया है? तब प्रीता गुस्से से कहती है, माँ जी मुझे कुछ नहीं पता, आज मैं पार्टी में जा रही हूँ और रात को बहुत ही ज्यादा लेट से आऊंगी, प्लीज मेरा वेट मत करना और सो जाना। तभी रास्ते में अचानक प्रीता को दो लड़के छेड़ने लगते हैं। तब वहाँ करण आकर प्रीता को उन दोनों लड़कों से बचाकर घर ले जाता है, जिसके बाद करण प्रीता से कहता है, देखो प्रीता मुझे पता है तुम हमेशा से विदेश में ही रही हो, इसीलिए तुम्हें साड़ी पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुम समझो ये इंडिया है ना कि अमेरिका, अगर तुम यहाँ ऐसा करोगी तो तुम्हारे साथ फिर देखो क्या क्या ऐसा हो सकता है। जिसे सुनकर प्रीता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो अगले दिन सुबह साड़ी पहनकर एक संस्कारी बहू बनकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास राखी और करण बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।